जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कॉमेंट कर। आपका पहला सवाल है, गीतांजलि की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी भगत सिंह ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपके ऑप्शन है, ए अस्थमा, बी मलेरिया, सी टेटनस, डी मधुमेह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मधुमेह। आपका तीसरा सवाल है, रेबीज का टीका किसने बनाया? आपके ऑप्शन है, ए लुई पाश्चर ने, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी मैरी क्यूरी ने, डी जॉन स्नो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लुई पाश्चर ने। आपका अगला सवाल है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल, डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। आपका पांचवा सवाल है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? आपके ऑप्शन है, ए पोखरण, बी चगला, सी शक्तिमान, डी रणथंभौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरण। आपका अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? आपके ऑप्शन है, ए फरवरी 1947 बॉम्बे मुंबई, बी अक्टूबर 1950 कोलकाता, सी मई 1951 नई दिल्ली, डी दिसंबर 1955 मद्रास चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मई 1951 नई दिल्ली। आपका सातवां सवाल है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी फास्फोरस, डी पोटेशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है, ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी ममता बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए सोना, बी लोहा, सी सीसा, डी जिंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीसा। आपका दसवां सवाल है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है, ए मंगल, बी बुध, सी शनि, डी जुपिटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शनि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? आपके ऑप्शन है, ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी कावेरी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। आपका 12वां सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाना है? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त को, बी 2 अक्टूबर को, सी 26 जनवरी को, डी 4 मार्च को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 मार्च को। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी अटॉर्नी जनरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। आपका अगला सवाल है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? आपके ऑप्शन है ए अपोलो 11, बी चंद्रयान 1, सी मंगलयान, डी आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जीवी मावलंकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। आपका 16वां सवाल है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टोज, बी सक्करोज, सी ग्लूकोज, डी सोडियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैक्टोज। आपका अगला सवाल है, मसलों की रानी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए इलायची को, बी काली मिर्च को, सी धनिया को, डी अदरक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलायची को। आपका अगला सवाल है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1955 में, डी 1960 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1955 में। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई? आपके ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डा राजेंद्र प्रसाद, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डा जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डा जाकिर हुसैन। आपका आखिरी सवाल है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी यूनाइटेड स्टेट्स, डी रूस। दोस्तों, इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।